हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज हम बचपन की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आए हैं। तो ये रेसिपी बचपन में बहुत ही खाई जाती थी और आज भी ये रेसिपी ज़रूर बनती है जब भी कच्चा आम का मौसम आता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने ये कच्चे वाले आम लिए हैं। जो आम बहुत खट्टे होते हैं बस इसी आम का इस्तेमाल हमें करना है। तो इस आम को अच्छे से हमें छील लेना है और उसके बाद हम इसके पीस बना लेंगे। तो ये रेसिपी बचपन में बहुत खाई जाती थी। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी पसंद थी या नहीं, या आपने ये रेसिपी खाई है तो आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता था। तो चलिए देखिए हम इसे इस तरह से काट लेते हैं और अब एक बड़ा भगोना चढ़ाएंगे, उसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने देसी घी यूज़ किया है, आप चाहें तो डालडा घी भी डाल सकती हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर सूजी ली है, तो ये सूजी से बहुत ही टेस्टी बनता है और ये हेल्दी भी होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और बच्चों को ज़रूर पसंद आने वाला है। तो चलिए हम इसे पहले सूजी को रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सूजी कितनी ली है और उसके हिसाब से हम चीनी कितनी लेंगे, तो इसकी क्वांटिटी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चाय वाले कप से 3 कप सूजी ली है, तो आप जो भी कप लें उसी के हिसाब से चीनी भी ऐड करें। तो देखिए यहाँ पर हम पहले सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए देखिए सूजी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे और अब उसी भगोने में हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। और अब हमें इसमें आमों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो जो कच्चे आम हमने लिए थे ना, हमें उसी को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि ये आम कच्चे वाले ही होने चाहिए, क्योंकि ये खट्टे आम के ही अच्छे बनते हैं। तो बस देखिए अब आम भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे भी हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम उसी भगोने में दूसरा काम करते हैं। तो देखिए उसी भगोने में हमने यहाँ पर थोड़ा सा घी और ऐड किया है और अब हम उसमें 2 लौंग और साथ में 1 हरी इलायची डालेंगे। तो इसका तड़का लगाने के बाद हमें इसमें सूजी को नहीं ऐड करना बल्कि हमें इसमें पानी डालना है। तो देखिए पहले हम इसे अच्छे से 1 मिनट अच्छे से सौते कर लेते हैं, उसके बाद हम पानी डालेंगे। तो देखिए पानी का नाप भी मैंने आपको बता दिया है, मैंने यहाँ पर इस बोतल से 2.5 बोतल पानी ऐड किया है। 3 कप सूजी में 2.5 बोतल पानी, यानी कि ये 1 लीटर वाली बोतल है, तो इस हिसाब से हमने इसमें 2.5 लीटर पानी ऐड किया। तो इसी हिसाब से अब हम इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस कप से 2.5 कप चीनी ली है, 3 कप सूजी और 2.5 कप चीनी। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो चीनी भी आप सूजी के बराबर ही ऐड करिएगा। तो चलिए हम चीनी को डालने के बाद पहले चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। तो पानी इसमें ज़्यादा ही डलता है क्योंकि ये बनने के बाद बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है। तो उम्मीद है आप में से बहुत ने ये रेसिपी बचपन में ज़रूर खाई होगी। तो कमेंट में इसका नाम ज़रूर बताएं कि आप इसे क्या बोलते थे। तो चलिए देखिए पानी भी अच्छे से ऐड हो गया है, अब हम इसे खौला लेते हैं। तो देखिए पानी को ढक्कन ढककर अच्छे से खौला लिया है और चीनी भी अब अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो बस अब हम इसमें आम को ऐड करेंगे। तो देखिए जो कच्चे हुए आम हमने इसमें रखे थे वो हम इसे ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से पहले एक बार पका लें। और आम डालने के बाद हमें इसे एक खौल लगाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पका लेना है, जिससे आम की खटास पानी में अच्छे से उतर सके, क्योंकि जितना खट्टा इसका पानी होगा उतना ही टेस्टी ये गुड़म्बा बनकर तैयार होगा। तो चलिए हम इसको धीमी आँच पर पका लेते हैं और देखिए ये अब आम अच्छे से पक चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आम को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, आम इतने पकने चाहिए कि ये उंगली से अच्छे से टूटने लगे। तो देखिए बस आम अब अच्छे से तैयार हो चुके हैं, तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सूजी डालते हुए आपको इसका चम्मच भी चलाते रहना है, वरना इसकी सूजी में गुलटी बन जाएगी। तो बस इसे जल्दी से चलाते रहें, इसे छोड़ें बिल्कुल भी नहीं और इसे अच्छे से मिक्स करते रहें। यहाँ पर गैस को धीमा बिल्कुल भी नहीं करना बल्कि तेज़ आंच पर ही इसे अच्छे से पका लें। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए यहाँ पर बस 5 से 10 मिनट ही इसे तेज़ आँच पर पकाना है और इसके टाइम में ही ये गुलम्बा बनकर तैयार है। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, तो इसे ज़रूर बनाएं। तो बच्चों को जब भी छोटी मोटी भूख लगे तो इसे बना कर दें, वो बहुत ही शौक से इसे खाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 5 और 10 मिनट में ही बनकर तैयार है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ढक्कन ढककर कम से कम 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल सके।
तो देखिए हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, तो जितना खट्टा आम लेंगी उतना ही टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। तो बस चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको फौरन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।